नमस्कार, मैं प्रिया। आज 29 नवंबर, चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। डीआरडीओ में जेआरएफ पद के लिए होगी सीधी भर्ती। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इंजीनियरिंग में जूनियर रिसर्च फेलोशिप के रिक्त पदों को भरने के लिए सीधे इंटरव्यू से उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। इंटरव्यू से होने वाले इस भर्ती का आयोजन 4 से 11 जनवरी के बीच होगा। जेआरएफ पद पर सेलेक्ट होने वाले उम्मीदवारों को 31,000 रुपये प्रतिमाह का स्टाइपेंड दिया जाएगा। डीआरडीओ कुल 16 जेआरएफ की भर्ती के लिए जनवरी से साक्षात्कार आयोजित करने जा रहा है। डीआरडीओ के जेआरएफ भर्ती इंटरव्यू में भाग लेने वाले उम्मीदवारों के पास इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री बीई या बीटेक प्रथम श्रेणी से पास होना अनिवार्य है। इसके साथ ही अभ्यर्थियों को नेट गेट परीक्षा भी पास होना चाहिए या संबंधित विषय में मास्टर डिग्री होना अनिवार्य किया गया है। अररिया के रानीगंज वृक्ष वाटिका में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। रानीगंज वृक्ष वाटिका को स्थानीय लोग हसनपुर बालू धीमा के नाम से जानते हैं। यह बिहार सरकार के द्वारा अधिसूचित भूमि है जो 289 एकड़ में विस्तृत है और प्राकृतिक वन क्षेत्र के रूप में विस्तृत है। प्राकृतिक प्रेमियों के लिए ये रमणीय और रोमांचक जगह है। शोधार्थियों के लिए भी अध्ययन स्थल के रूप में निर्मित है। ये अररिया जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर पश्चिम में और पटना से 310 किलोमीटर उत्तर पूर्व में एवं फारबिसगंज 4 लेन NH57 से दक्षिण कुर्सेला जाने वाले SH77 के पूरब किनारे 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अन्य शहरों में नियमित बसें चलती हैं जो अररिया के 0 माइल बस अड्डा तक आता है और इस बस अड्डे से रानीगंज वृक्षवाटिका लगभग 30 किलोमीटर दूरी पर है। बिहार में कोरोना के मिले 700 से ज्यादा मामले। बिहार में कोरोना प्रभावितों की संख्या बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बीते दिन के पिछले 24 घंटे में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार कुल मिलाकर 713 नए मामलों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद बिहार में प्रभावितों की संख्या बढ़कर 2,34,553 पर पहुंच गई है। वहीं सर्वाधिक 3 प्रभावित जिलों की माने तो राजधानी पटना में 267 मामले सामने आए हैं। वहीं मुजफ्फरपुर में 33 मामले, कटिहार जिले में 25 मामले सामने आए हैं। STET के ऑनलाइन परीक्षा परिणाम पर लगी रोक। बिहार हाईकोर्ट ने अगले आदेश तक बिहार में स्टेट टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट के ऑनलाइन परिणाम घोषित करने पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है। पटना हाईकोर्ट के जस्टिस न्यायमूर्ति की एकल पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह सुनवाई करते हुए आदेश जारी किया है। कोर्ट ने राज्य सरकार और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को कानूनी और तथ्यात्मक पहलुओं पर विस्तृत जवाब दाखिल करने का आदेश भी दिया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि लोगों की तरफ से दायर की गई अर्जी में कहा गया कि STET ऑनलाइन दिया गया है, लेकिन ऑनलाइन परीक्षा के लिए किसी प्रकार का सिलेबस जारी नहीं किया गया। ऑनलाइन परीक्षा सहित ऑनलाइन की सारी प्रक्रिया को निरस्त करने की मांग भी कोर्ट से की गई है। राजधानी पटना में अतिक्रमण हटाओ मुहिम हुई शुरू। कोविड-19 के माहौल के बीच बिहार विधानसभा चुनाव और त्योहारों का दौर खत्म होते ही पटना जिला प्रशासन ने एक बार फिर से अतिक्रमण हटाओ मुहिम में जुट गई है, जिसके तहत शनिवार को पटना के प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल और जिलाधिकारी कुमार रवि के नेतृत्व में बोरिंग रोड से मुहिम की शुरुआत की गई। इसके साथ ही अतिक्रमण हटाओ मुहिम एक सप्ताह तक जारी रहने की बात भी कही गई है। पटना जंक्शन के सामने बने अवैध ऑटो स्टैंड को भी खाली करवाया जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, राजधानी पटना में आए दिन जाम की समस्या देखने को मिलती है। वहीं राजधानी वासियों को जाम से निजात दिलवाने के लिए ही अतिक्रमण हटाया जा रहा है। विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला पर दिखा कोरोना का प्रभाव। कोविड-19 का प्रभाव अब विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला पर भी देखने को मिला। मिली जानकारी के अनुसार सोनपुर में लगने वाले विश्व प्रसिद्ध पशु मेला का आयोजन इस बार नहीं करवाया जाएगा। कोविड-19 को देखते हुए भीड़भाड़ वाला कोई भी बड़ा आयोजन नहीं होने वाला, इसी कारण सोनपुर मेला का आयोजन भी नहीं करवाया जाएगा। कार्तिक पूर्णिमा से महीने भर के लिए प्रत्येक साल सोनपुर में मेला का आयोजन होता है। इसमें हाथी घोड़ों के साथ अन्य पशु पक्षी भी लाए जाते हैं। मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी होता है। गंडक और गंगा के संगम पर लगने वाले इस मेले में देश विदेश के हजारों पर्यटक आते हैं। पूजा स्पेशल ट्रेनों का परिचालन रहेगा यूं ही जारी। दिवाली और छठ के दौरान बिहार से बाहर रह रहे बिहार वासियों को वापस घर लाने के लिए पूजा स्पेशल ट्रेनों का परिचालन करवाया गया था। हालांकि पूजा खत्म होने के बाद यह उम्मीद जताई जा रही थी कि शायद अब इन ट्रेनों का परिचालन बंद हो जाएगा, मगर रेलवे की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार अभी इन ट्रेनों का परिचालन बंद नहीं करवाया जाएगा। इनका परिचालन फिलहाल जारी रहेगा। सहरसा से सियालदह, दरभंगा से अमृतसर, रक्सौल से हावड़ा, काठगोदाम से हावड़ा, सहरसा से पटना और जयनगर से सियालदह के लिए स्पेशल ट्रेन अगले आदेश तक चलना जारी रहेगी। समस्तीपुर रेल मंडल के DCM प्रसन्न कुमार ने बताया है कि यात्रियों की भीड़ को देखते हुए विशेष ट्रेनों के परिचालन की तारीख में विस्तार किया गया है। ट्रेनों की पूरी सूची रेलवे विभाग की तरफ से जारी कर दी गई है। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे
रामचतुर मलिक की। पंडित रामचतुर मलिक का जन्म 5 अक्टूबर 1902 को बिहार के दरभंगा जिले में हुआ था। पंडित रामचरित्र मलिक भारतीय शास्त्रीय संगीत की धूम धमाल शैली के प्रसिद्ध गायक थे। इन्होंने ध्रुपद धमार गायन शैली में सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी ख्याति प्राप्त की थी और देश का नाम रोशन किया। मलिक जी दोपहर ख्याल ठुमरी और मैथिली लोक गीतों के अनुपम गायक थे। रामचंद्र मलिक दरभंगा महाराज के दरबार में प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे। यह माना जाता है कि पंडित रामचतुर मलिक के पूर्वज राजस्थान से बिहार आ गए थे और बिहार में दरभंगा घराने की नींव रखी थी। रामचतुर मलिक ने अपने चाचा से तेजपाल मलिक से और बाद में सितार वादक रामेश्वर पाठक से अपनी प्रारंभिक शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ग्रहण की थी। पटना से आड़ा होते ही सासाराम के लिए ग्रीनफील्ड सड़क का होगा निर्माण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास के लिए बिहार चुनाव के दौरान प्रचार करते वक्त आवागमन को सुगम बनाने की बात कही थी। इसी क्रम में अब बिहार को केंद्र ने बड़ी सौगात दी है, जिसके तहत राजधानी पटना से आरा होते हुए सासाराम के लिए ग्रीनफील्ड का निर्माण करवाया जाएगा। यानी कि पटना आरा होते हुए सासाराम तक 6 लेन की सड़क बनाने की मंजूरी दे दी गई है। लगभग 130 किलोमीटर लंबी इस सड़क को बनाने में 3500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इनमें जीवन अधिग्रहण की राशि भी शामिल है। NHI के क्षेत्रीय अधिकार चंदन वत्स ने इस बात की जानकारी दी और बताया है कि केंद्र सरकार ने पटना से सासाराम के लिए नई सड़क को मंजूरी दे दी है। अब जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू की जाएगी। राज्यसभा सीट जाने के बाद चिराग ने साधा भाजपा पर निशाना। राज्यसभा सीट लोजपा के हाथ से जाते ही चिराग ने अब भाजपा के खिलाफ भी बयानबाजी शुरू कर दी है, जिसके तहत चिराग पासवान का अपनी मां को राज्यसभा पहुंचाने का सपना पूरा नहीं हो सका, जिसके बाद बिना नाम लिए चिराग पासवान ने भाजपा पर निशाना साधा, जिसके तहत लोजपा के स्थापना दिवस पर पार्टी कार्यकर्ताओं को लिखे पत्र में चिराग पासवान की बौखलाहट साफ देखने को मिली, जहां उन्होंने लिखा कि बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी ने अकेले 135 प्रत्याशी मैदान में उतारे, वहीं दूसरी तरफ लोक जनशक्ति पार्टी गठबंधन के साथ मिलकर लड़ी मगर सिर्फ 2 जीत पाई। इस चुनाव में 24 लाख वोट मिले। बिना गठबंधन और स्टार प्रचारकों की फौज के अपने दम पर बिहार में 24 लाख वोट हासिल करना मायने रखता है। दरोगा भर्ती की मुख्य परीक्षा होगी आज। आज दरोगा भर्ती की मुख्य परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की तरफ से प्रारंभ हुई परीक्षा में सफल दरोगा अभ्यर्थी इसमें शामिल होने वाले हैं। हालांकि परीक्षा की पूरी तैयारी कर ली गई है, मगर फिर भी जरूरी गाइडलाइन COVID-19 को देखते हुए जारी कर दी गई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, 2446 पदों के लिए यह परीक्षा आयोजित की जा रही है। दरोगा के 2064 पद, सार्जन के 2015, कार्य विभाग के अधीन सहायक जेल अधीक्षक के 167 पद के लिए परीक्षा आयोजित की गई। वहीं परीक्षा को लेकर कुल मिलाकर 102 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और परीक्षा 2 शिफ्ट में आयोजित करवाई गई है। हालांकि COVID-19 को देखते हुए 1 घंटा पहले ही सभी छात्रों को परीक्षा केंद्र पर बुलाया गया है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सख्त हुए मुख्यमंत्री नीतीश। बिहार चुनाव के बाद राज्य में एक बार फिर से सुशासन को सुचारू रूप से चलाने की तैयारी शुरू हो गई है, जिसके बाद बिहार में चुनाव के बाद से बरसात ही बिहार में बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी सख्ती दिखाई है। उन्होंने शनिवार को कानून व्यवस्था को लेकर राज्य के DGP संजीव कुमार सिंघल और मुख्यालय DJ जितेंद्र कुमार के साथ मीटिंग करके इन अफसरों के अलावा राज्य के मुख्य सचिव दीपक कुमार और गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुभानी भी इस बैठक का हिस्सा बने। पटना सहित राज्य भर में चला विशेष वाहन जांच मुहिम। एक बार फिर से राजधानी पटना सहित राज्य भर के कई जगह पर विशेष वाहन जांच मुहिम की शुरुआत की गई। इस मुहिम के तहत ओवरलोडिंग, परमिट प्रदूषण, हेलमेट, सीट बेल्ट, ब्लॉक फिल्म, HSRP एवं वाहनों पर लगे विभिन्न प्रतीक चिन्हों की जांच की गई। इसके साथ ही मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन करने वाले लगभग कुल 765 वाहन चालकों पर भी सख्ती दिखाते हुए उनसे 9.35 लाख का जुर्माना वसूला गया। इस मुहिम में सभी जिलों के DTO, MVI और ESI द्वारा चलाया गया था। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि पटना में यह विशेष वाहन जांच मुहिम 4 दिसंबर तक जारी रहेगी। इसके लिए विशेष रूप से जांच टीम पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। विशेष जांच अभियान के पहले दिन कुल मिलाकर 145 वाहनों की जांच की गई, जिसमें 110 वाहनों पर जुर्माना लगाया गया। फिल्म निर्माण में बिहार के छात्रों का दिखा धमाल। किलकारी के छात्र फिल्म निर्माण में अपनी पहचान बना रहे। इतना ही नहीं, इनकी फिल्में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चयनित की गई है। किलकारी के एक छात्र की फिल्म द मास्क का चयन इंटरनेशनल COVID-19 शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल के लिए चयनित हुआ है। इस फेस्टिवल के लिए भारत से 100 फिल्मों का चयन हुआ था, जिसमें एक द मास्क भी है। किलकारी के 4 छात्रों का चयन 10वीं नेशनल साइंस फेस्टिवल ऑफ इंडिया के लिए भी हुआ है। 24 से 27 नवंबर तक चलने वाले साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा करवाया गया था। किलकारी के अमित राज, आर्यन, विराट, वैभव और हेमा कुमारी की फिल्म चयनित हुई है।
मैट्रिक और इंटर परीक्षा के लिए बिहार बोर्ड की तैयारी। कोविड-19 के माहौल में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। बोर्ड के मुताबिक शरीर का तापमान अधिक होने और सर्दी जुकाम रहने पर अलग अलग कक्षा में परीक्षा आयोजित करवाए जाने का प्रावधान तैयार किया जा रहा है। बोर्ड कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए इंटर और मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2021 में एहतियात बरतेगा। ऐसे बोर्ड परीक्षार्थियों को चिन्हित किया जाएगा जिन्हें सर्दी जुकाम या उनके शरीर का तापमान अधिक होगा। सभी परीक्षा केंद्रों पर एक कक्ष अलग से भी आयोजित करवाए जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए छात्रों को एडमिट कार्ड में निर्देश दिए जाएंगे। इनमें छात्रों को कोविड-19 से बचने के लिए याद रखने को कहा जाएगा। नई सरकार बनते ही पटना मेट्रो निर्माण में आई तेजी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट पटना मेट्रो के काम में एक बार फिर से तेजी आ गई है। मिली जानकारी के अनुसार 2024 तक पटनावासी मेट्रो की सवारी आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए बिहार सरकार और केंद्र सरकार के सौजन्य से दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन और पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन पटना में मेट्रो का कार्य कर रही। कोविड-19 संक्रमण और चुनाव की वजह से काम में कुछ धीमी गति आई थी, लेकिन सरकार के गठन के बाद एक बार फिर से परियोजना में तेजी आ गई है। पटना मेट्रो का काम फिलहाल 31 किलोमीटर प्रस्तावित है। इसमें 15 किलोमीटर अंडरग्राउंड भी शामिल है। पहले चरण में दानापुर सगुना मोड़ से पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन और दूसरे चरण में रेलवे स्टेशन से गांधी मैदान होते हुए पटना सिटी तक मेट्रो कॉरिडोर बनाया जाएगा। 2 दिसंबर को सुशील मोदी राज्यसभा के लिए करेंगे नामांकन। 2 दिसंबर को सुशील कुमार मोदी राज्यसभा के लिए नामांकन करने वाले हैं, जिसके बाद जानकारों की माने तो दोपहर 12:30 बजे के लगभग मोदी पर्चा दाखिल करेंगे। इस दौरान उनके साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, बिहार से एक सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए 14 दिसंबर को मतदान होने वाले हैं। 3 दिसंबर को नामांकन की आखिरी तारीख है। पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी यदि राज्यसभा सदस्य बन जाते हैं तो वो भी राज्य सुप्रीमो लालू यादव की तरह चारों सदन के से हो जाएंगे। इसके पहले वो विधानसभा, विधान परिषद और लोकसभा जा चुके हैं, केवल राज्यसभा जाना उनका बचा हुआ है। इस बार हो रहे उपचुनाव में यदि सुशील मोदी को सफलता मिलती है तो इस बार राज्यसभा में वो पहुंच जाएंगे। गिरिराज सिंह ने लालू और तेजस्वी यादव को बढ़ावा देना बताया नीतीश की भूल। विधानसभा में बीते शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव द्वारा लगाए गए आरोपों पर बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो गया। इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसके तहत उन्होंने स्पष्ट कहा है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को बढ़ावा देना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बड़ी भूल रही है। यह सब उसी के दुष्परिणाम है। अपने गृह क्षेत्र में मौजूद गिरिराज सिंह ने कहा कि यह विधानसभा की राजनीति या आज तक की परिपाटी नहीं रही है। तेजस्वी यादव ने जिस घटिया शब्द का प्रयोग किया है उस शब्द को कह भी नहीं सकते हैं। नीतीश कुमार द्वारा पूर्व के समय में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव तो विधानमंडल का नेता या फिर तेजस्वी को उप मुख्यमंत्री बनाए जाना उनकी सबसे बड़ी बेवकूफी और भूल थी। राबड़ी देवी ने नीतीश कुमार को राजनीतिक जीवन दान लालू यादव की तरफ से दिए जाने की कही बात। राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उस बयान पर निराशा जताई है और साथ ही निशाना साधा है, जिसमें उन्होंने तेजस्वी यादव से सवाल किया था कि तुमको डिप्टी सीएम किसने बनाया था। राबड़ी देवी ने इस बाबत एक ट्वीट भी जारी कर कहा है कि नीतीश कुमार को लालू जी का शुक्रगुजार रहना चाहिए क्योंकि उन्होंने आपको राजनीतिक जीवन दान दिया है। राबड़ी देवी ने ट्वीट कर कहा कि नीतीश कुमार कह रहे हैं कि तेजस्वी को उप मुख्यमंत्री बनाया है, में लोक लाज बची ही नहीं है। बताइए, सबसे बड़ी पार्टी और 80 विधायकों के नेता को मुख्यमंत्री बना नीतीश ने कौन सा एहसान कर दिया। शुक्रगुजार आपको लालू जी का होना चाहिए जो आपको राजनीतिक जीवन दान उन्होंने प्राप्त किया। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, विधानसभा सत्र के आखिरी दिन हुए हंगामे के बाद उक्त बयानबाजी और पक्ष विपक्ष की तरफ से आ रही है। उपेंद्र कुशवाहा के बयान का वशिष्ठ नारायण सिंह ने किया समर्थन। जदयू प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने तेजस्वी यादव के बयान पर निंदा व्यक्त की है। वहीं इस पूरे मामले में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का साथ दिया है। कुशवाहा ने ट्वीट के जरिए तेजस्वी यादव के आचरण को अमर्यादित करार दिया। उपेंद्र कुशवाहा ने अपने ट्वीट में लिखा था कि तेजस्वी यादव ने सदन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति जिस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग किया वो घोर निंदनीय है। छी छी, क्या इसी के लिए सदन है। इसी कड़ी में अब जदयू प्रदेश अध्यक्ष ने भी तेजस्वी यादव के मोर्चा खोल दिया है। वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा ने जो राजनीतिक सुचिता का परिचय दिया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज है। 1759 में दिल्ली के बादशाह आलमगीर द्वितीय की जान ले ली गई थी। 1993 में उद्योगपति जहांगीर रतनजी दादा भॉय टाटा ने दुनिया को अलविदा कह दिया था। 1989 में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इस्तीफा दे दिया था। 1935 में भारतीय सैनिक गुरबचन सिंह सलारिया का जन्म हुआ था।
टीम में जगह देने के लिए गौतम गंभीर ने हार्दिक पांड्या और मनीष पांडे में से बताई अपनी पसंद। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए पहले वनडे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए भारत को 66 रनों से हराया। टीम की तरफ से हार्दिक पांड्या ने सबसे ज्यादा 90 रन बनाए, जबकि शिखर धवन ने 74 रनों की शानदार पारी खेली, जिसको लेकर गौतम गंभीर ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि इस बात का आईपीएल में फॉर्म से काफी लेना देना है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो हार्दिक नंबर 6 पर बल्लेबाजी कर रहे थे जबकि मनीष पांडे नंबर 3 पर। अगर आप पांडे को नंबर 6 पर पुश करेंगे तो आपको उस खिलाड़ी को ड्रॉप करना पड़ेगा जिसने आईपीएल में इस नंबर पर काफी अच्छे फॉर्म दिखाए हैं, और यह बिल्कुल सही नहीं होगा। पबजी लवर्स का जल्द ही खत्म होगा इंतजार। भारत और चीन के बीच उत्पन्न हुए तनाव के बाद डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कई सारे चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया गया था, जिसमें पबजी का नाम भी शामिल था। पबजी दुनिया के सबसे पॉपुलर बैटल गेम्स में से एक है। हालांकि भारत में पबजी मोबाइल को दोबारा से लॉन्च करने की तैयारी शुरू हो गई है, जिसके तहत फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड भी है। कंपनी ने भी अपने आधिकारिक वेबसाइट पर कमिंग सून लिख दिया है। इंडिया टीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार कंपनी दिसंबर के पहले हफ्ते में इस गेम को रिलॉन्च कर सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 1 दिसंबर से 5 दिसंबर के बीच कंपनी कभी भी यह गेम लॉन्च कर सकती है। कोहली नंबर 1 का ट्रेलर हुआ जारी। वरुण धवन और सारा अली खान की फिल्म कोहली नंबर 1 का ट्रेलर रिलीज हो गया है। फिल्म का ट्रेलर कॉमेडी से भरपूर नजर आ रहा है। ट्रेलर में वरुण धवन की कॉमिक टाइमिंग कमाल की दिखाई दे रही है, वहीं सारा अली खान की कॉमेडी और क्यूटनेस काफी अच्छी लग रही है। ट्रेलर देखने से पता चलता है कि डायरेक्टर डेविड धवन ने फिल्म को एंटरटेनिंग बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। फिल्म में वरुण धवन अलग अलग कैरेक्टर में नजर आ रहे हैं। परेश रावल ने सारा अली खान के पिता की भूमिका निभाई है, वहीं जॉनी लिवर कॉमेडी भी हंसने पर मजबूर कर रहे हैं। मालूम हो कि कोरोना की वजह से टाली गई फिल्म को हाल ही में मेकर्स ने ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम पर रिलीज करने का निर्णय लिया है। यह फिल्म पहले 1 मई को रिलीज होने वाली थी। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 28 नवंबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 47,650 रुपए था, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 48,650 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 59,200 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 84.42 रुपए प्रति लीटर थी, वहीं डीजल 76.19 रुपए प्रति लीटर था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है संजय महोली, शशि भूषण बदलू झा, अजय कुमार यादव, ईश्वर प्रसाद सोनी, कुमारी उज्वाला चौधरी, मौर्य प्रदीप सिंह, दीपक कुमार शर्मा, इंदल कुमार, बबलू राज, राजवीर राणा, प्रेम कुमार, रणवीर कुमार, गोलू कुमार, सोनू कुमार, राम कुमार, बलराम शर्मा, प्रेम कुमार, संजय प्रसाद, रणधीर कुमार पासवान, अभिषेक किंग। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जाने चाहिए। अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।